हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और आप सभी इसे जरूर देखें और अपने आसपास जरूर शेयर करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर DSSSB या टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी खबर पाना चाहते हैं, स्टडी पाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें बहुत एनर्जी देता है। तो साथियों, आज इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उन पर डिस्कशन करना चाहेंगे। और ये जो टॉपिक है आज का, ये आप समझ लीजिए कि काफी कैंडिडेट्स का जीवन अच्छा कर सकता है। और आपको पता होगा NTT जो नर्सरी टीचर वाला है, तो उसमें क्या है, अभी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स ने एक एक साल का डिप्लोमा किया है, तो सबसे पहले तो वो वैलिड नहीं है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और अभी इसमें दो कैंडिडेट्स का कैंसिलेशन नोटिस आया है, उनको कैंसिल कर दिया गया है, उनकी जॉब तक लग चुकी है लेकिन इसके बावजूद उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। उसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो जो उनका डिप्लोमा है वो NCTE इसके अंडर नहीं आता, मतलब इसका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या सोसाइटी नहीं है, इस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसके बाद जो उनका डिप्लोमा है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी है जिनका दो साल का नहीं है, तो सबसे पहले एक तो डिप्लोमा आप जो कर रहे हैं, सर्टिफिकेट जो कर रहे हैं, वो दो साल का होना चाहिए। एक साल का अगर आप करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। और इसके बाद जो आपका डिप्लोमा आप कर रहे हैं या बीएड आप करते हैं या कोई भी ऐसी चीजें आप करते हैं, तो सबसे पहले तो आप JBT कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले आप ही चेक करें, आप चेक करें आप कर रहे हैं क्या वो वैलिड है या नहीं है। कोई कुछ भी कोर्स कर रहा है, इवन कोई BA कर रहा है, MA कर रहा है, ये हमारा फर्ज होता है कि हम सबसे पहले वो चेक करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दूसरों पे बहुत जल्दी फेज कर लेते हैं। और अब दुखी हो रहा है कि ये जो कैंडिडेट्स है इनकी क्या गलती है, इन्होंने बड़े विश्वास के साथ वो चीज करी है, जॉब लेने के बावजूद अब इनका फ्यूचर खराब हो गया, क्या वो कोचिंग वाले इनका फ्यूचर दे सकते हैं, तो बड़ा दुख होता है देखने के बाद। तो मैं आपसे यही कहूंगा, बाद में देखो अब क्या करेंगे उनका। तो सबसे पहले जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसे चेक करें। और अगर हम बात करें जो आप नर्सरी टीचर का ये डिप्लोमा कर रहे हैं या सर्टिफिकेट कुछ भी आप ले रहे हैं, सबसे पहले ये दो साल का होना चाहिए और ये NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या सोसाइटी होना चाहिए। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है, अगर कोई करना भी चाह रहे हैं, तो एक बार पूछ सकते हैं, मैं सजेस्ट कर दूंगा अपने लेवल से, मैं सजेस्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे बड़ा दुख हुआ था कि यार कि इसमें गर्ल्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, क्योंकि बड़ा दुख होता है देखने के बाद। तो और ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और नोट्स के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, अभी 10 मार्च तक ऑफर चला हुआ है, जो आप नोट्स लेंगे तो उसमें बहुत बड़ा आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के आप नोट्स ले सकते हैं। डेली आपको करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टीचिंग, GK, साइको, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और जिन साथियों का रिप्लाई नहीं किया उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, तो जल्दी हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। और ये जो आपने देखा वीडियो के अंदर, इस चीज पे जरूर गौर करें। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।